आदमपुर उपचुनाव को लेकर बहुत बड़ी खबर आ रही है। आदमपुर उपचुनाव को लेकर बीजेपी जेजेपी गठबंधन में दरार पड़ती हुई नजर आ रही है। नमस्कार, खरी खरी न्यूज के लिए मैं कुलदीप शरण। आदमपुर उपचुनाव को लेकर बीजेपी और जेजेपी गठबंधन के रिश्ते बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। जी हाँ, बड़ी खबर सामने आ रही है कि आदमपुर उपचुनाव को लेकर जेजेपी के तेवर तीखे हो गए हैं। जेजेपी महासचिव दिग्विजय चौटाला ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि अभी तक जेजेपी से आदमपुर उपचुनाव को लेकर बीजेपी या कुलदीप बिश्नोई ने उनके साथ कोई चर्चा नहीं की है। जेजेपी अध्यक्ष अजय सिंह चौटाला से और जेजेपी के दूसरे बड़े नेताओं से अभी तक उपचुनाव को लेकर किसी तरह का कोई संपर्क नहीं किया गया है। इस वजह से जेजेपी का हाईकमान गठबंधन को लेकर नाराज है, निराश है, और इसी नाराजगी के चलते जेजेपी ने कल पार्लियामेंट बोर्ड की बैठक बुलाई है। जेजेपी की नाराजगी आदमपुर उपचुनाव में एक बड़ा गुल खिला सकती है। जेजेपी का आदमपुर में निर्णायक वोट बैंक है। ऐसे में अगर जेजेपी गठबंधन से अलग होकर चुनाव लड़ती है तो कहीं ना कहीं बीजेपी प्रत्याशी भव्य बिश्नोई के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। जेजेपी के नेताओं का साफ कहना है कि गठबंधन को लेकर उन्होंने लगातार अपना धर्म निभाया है, चाहे वो बड़ौदा उपचुनाव है, चाहे वो इलाहाबाद का उपचुनाव है। जेजेपी ने बीजेपी के प्रत्याशी को लगातार और पूरा समर्थन दिया। दोनों ही चुनाव में बीजेपी जेजेपी की गठबंधन के तौर पर प्रत्याशियों ने चुनाव लड़ा, लेकिन आदमपुर उपचुनाव में भव्य बिश्नोई के पोस्टर में जेजेपी का नाम और जेजेपी नेताओं के फोटो नहीं होने के कारण जेजेपी के नेता बेहद खफा हैं। उनको लग रहा है कि जेजेपी के नेताओं को जानबूझकर अनदेखा किया जा रहा है और गठबंधन का धर्म नहीं निभाया जा रहा है। जेजेपी महासचिव दिग्विजय सिंह चौटाला ने कहा कि गठबंधन में वे पूरा सहयोग करते आए हैं और करते रहेंगे, लेकिन अगर उपचुनाव में उनकी पार्टी को समुचित सम्मान नहीं दिया जाएगा, उनके नेताओं के साथ इस कोऑर्डिनेशन नहीं किया जाएगा, उनके नेताओं को विश्वास में लेकर चुनाव प्रचार की चुनाव की रणनीति नहीं बनाई जाएगी, तो वो कैसे गठबंधन के साथ खड़े हो सकते हैं। इस बारे में जेजेपी ने कल पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक बुलाई है। सूत्रों का ये भी कहना है कि जेजेपी इस बैठक में बड़ा फैसला ले सकती है, कड़ा फैसला ले सकती है। जी हाँ, बड़ी खबर यही है कि आदमपुर उपचुनाव को लेकर बीजेपी जेजेपी गठबंधन में दरार पड़ गई है और जेजेपी अलग रास्ते पर जाती हुई नजर आ रही है। जेजेपी नेताओं को अभी तक आदमपुर उपचुनाव को लेकर बीजेपी के राज्य स्तरीय समन्वय समिति और कुलदीप बिश्नोई द्वारा कोई महत्व नहीं दिए जाने के कारण उपचुनाव को लेकर बीजेपी या कुलदीप बिश्नोई द्वारा जेजेपी नेताओं के साथ कोई बैठक नहीं किए जाने के कारण जेजेपी हाईकमान के बड़े नेता नाराज हैं और इसलिए उन्होंने कल अपनी पार्टी के अलग से बैठक बुलाई है। इस बैठक के अंदर एक बड़ा फैसला लिया जा सकता है और जिसमें अलग चुनाव लड़ने की घोषणा भी शामिल है। आपको ये बता दें कि आदमपुर के अंदर देवीलाल परिवार या चौटाला परिवार का एक बड़ा जनाधार है और पिछले 60 साल के दौरान आम तौर पर चौटाला परिवार की पार्टियां ही नंबर दो पर रहती आई हैं। ऐसे में अगर जेजेपी ने अलग चुनाव लड़ने का फैसला ले लिया तो वो गठबंधन के लिए नुकसानदायक बात होगी, बीजेपी प्रत्याशी भव्य बिश्नोई के लिए नुकसानदायक बात होगी। एक दूसरी बात ये उभर कर आ रही है कि जेजेपी किनकी अगर नाराजगी बरकरार रही और अलग चुनाव लड़ने का फैसला जेजेपी को लेना पड़ा तो जेजेपी किसी गैर जाट चेहरे को चुनाव मैदान में उतार सकती है। अगर किसी गैर जाट चेहरे को जेजेपी ने टिकट दिया तो वह भव्य बिश्नोई के लिए और भी ज़्यादा नुकसानदायक होगा, क्योंकि जहां कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के जाट प्रत्याशी हैं, वहीं ऐसे में अगर जेजेपी ने गैर जाट प्रत्याशी को चुनाव मैदान में उतार दिया तो वो सीधे तौर पर बीजेपी प्रत्याशी भव्य बिश्नोई के वोटों में सेंध लगाने का काम करेगा और ऐसे में जेजेपी का परंपरागत वोट बैंक और गैर जाट प्रत्याशी आदमपुर के उपचुनाव में एक बड़ा उलटफेर कर सकता है, एक डिसाइडिंग फैक्टर बनकर चुनाव परिणाम का गणित को बिगाड़ सकता है। आपको बता दें फिर से कि आदमपुर उपचुनाव को लेकर बीजेपी जेजेपी गठबंधन में दरार पड़ती हुई नजर आ रही है। बीजेपी और कुलदीप बिश्नोई द्वारा अभी तक जेजेपी के नेताओं अजय सिंह चौटाला दुष्यंत चौटाला से कोई संपर्क न कर लें, आदमपुर उपचुनाव को लेकर जेजेपी के साथ किसी तरह का कोई तालमेल न कर लें, आदमपुर चुनाव को लेकर किसी तरह की चुनाव रणनीति न बनाए जाने और आदमपुर उपचुनाव को लेकर जेजेपी की अनदेखी किए जाने के कारण जेजेपी के नेताओं में कड़ी नाराजगी है और इसी नाराजगी के कारण जेजेपी ने कल पार्लियामेंट बोर्ड की बैठक बुलाई है। इस बैठक में जेजेपी बड़ा फैसला ले सकती है और इस फैसले के तहत जेजेपी अलग से प्रत्याशी आदमपुर उपचुनाव में उतार सकती है। अब तक यही खबर है, कोई नई डेवलपमेंट आने पर आपको जरूर बताएंगे। आदमपुर उपचुनाव को लेकर आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए, हम हर अपडेट आपको देते रहेंगे। नमस्कार।